पठान के सक्सेस के बाद मेकर्स ने अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। टाइगर 3 के रिलीज के बाद शाहरुख सलमान अब दोस्त नहीं रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाएंगे, एक दूसरे की जानी दुश्मन हो जाएंगे, और ये सब कौन करवाएगा? तो ये सारा काम, ये सारी प्लानिंग यशराज फिल्म्स आदित्य चोपड़ा करने वाले हैं, जिसको लेकर अब तैयारी जोरों पर चल रही है। और इसी कड़ी में अब फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा ये भी तय कर लिया गया है। दरअसल टाइगर वर्सेस पठान को डायरेक्ट करने के लिए पठान के डायरेक्टर ऑन बोर्ड किए गए हैं, और इसी के साथ मेकर्स ने और क्या क्या तय कर लिया है, आज की इस खबर में हम 5 खुलासे करने वाले हैं। पहला खुलासा, फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। आदित्य चोपड़ा बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद को सौंप रहे हैं। आदित्य चोपड़ा का मानना है कि सिद्धार्थ आनंद टाइगर वर्सेस पठान के साथ दो बॉली जायंट्स के बीच पहले कभी नहीं देखे गए एक्शन सीन्स देने के लिए सही व्यक्ति हैं। सिद्धार्थ को शाहरुख खान और सलमान खान की अपनी पहली पूरी फिल्म के लिए एक साथ लाने का सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ को टाइगर वर्सेस पठान को भारत की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में माउंट करने के लिए सारी जरूरी हेल्प चीजें दी जाएंगी। दूसरा खुलासा, शाहरुख सलमान के बीच होगा जबरदस्त एक्शन। ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो ग्रेट सुपरस्टार्स के बीच एक फेस ऑफ वाली फिल्म होगी, जहां शाहरुख और सलमान एक दूसरे से भिड़ते दिखाई देंगे, खूब एक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ, और खूब मार धाड़ भी देखने को मिलेगी, जहां ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट का डोज ही मिलेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच और डीसी यूनिवर्स से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बीच हुआ था। तीसरा खुलासा, फिल्म में जोया और रुबीना की भी होगी एंट्री। जी हाँ, टाइगर वर्सेस पठान की इस लड़ाई में टाइगर की लेडी लव जोया यानी की कटरीना कैफ भी नजर आएंगी, और शाहरुख की यानी की पठान की रुबीना की भी फिल्म में एंट्री होगी। दोनों अपने किरदारों में ही होंगी, लेकिन जिस तरह से टाइगर पठान की दुश्मनी होगी, उनके बीच एक्शन होगा, वैसा कुछ इन हीरोइंस के बीच होगा या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई अपडेट नहीं आई है। चौथा खुलासा, साल 2024 में फिल्म को लाया जाएगा फ्लोर पर। जी हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में सभी डिटेल्स को हाइड करके रखा जा रहा है, लेकिन एज पर सोर्सेस सलमान और शाहरुख की इस मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट की शूटिंग साल 2024 में जनवरी में शुरू होगी। यशराज फिल्म्स पहले वॉर 2 पर काम करेंगे और इसके ठीक बाद टाइगर वर्सेस पठान को सेट पर लाया जाएगा, इसको फ्लोर पर लाया जाएगा। पांचवा खुलासा, पठान के राइटर श्रीधर राघवन ने डेवलप की है कहानी। जी हाँ, इस टाइगर वर्सेस पठान की दो हीरो वाली फिल्म की कहानी को आदित्य चोपड़ा ने खुद श्रीधर राघवन के साथ डेवलप की है। इस कहानी को फाइनल करने के लिए आदित्य चोपड़ा को भी YRF स्पाई यूनिवर्स के मेंटर राइटर के रूप में शामिल किया गया है। जिस तरह से पठान की कहानी को श्रीधर ने लिखा था और कहीं ना कहीं फिल्म खूब चली और 1050 करोड़ का कलेक्शन भी किया, और ऐसा ही बम फार टाइगर वर्सेस पठान को बनाने की तैयारी हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि शाहरुख सलमान की फेस ऑफ वाली सीधी टक्कर वाली इस फिल्म को ऑडियंस कितना लाड प्यार देती है और फिल्म क्या क्या करिश्मा दिखाएगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल तो इसकी एक एक अपडेट पर लोगों की नजर टिकी हुई है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।